हापुड़ के थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस की चेकिंग के दौरान हुई मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश घायल अवस्था में गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से अवैध असला में जिंदा खोखा कारतूस एवं चोरी की एक मोटरसाइकिल स्प्लेंडर बरामद की गई है, जिससे प्रारंभिक पूछताछ में गिरफ्तार बदमाश ने अपना नाम असद पुत्र अमीर अहमद बताया है। गिरफ्तार बदमाश शातिर किस्म का लुटेरा अपराधी है, जो हापुड़ नगर क्षेत्र के अंतर्गत हुई लूट की घटना को वांछित चल रहा है, जिस पर 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था। गिरफ्तार बदमाश के विरुद्ध जनपद मेरठ व हापुड़ में लूट, चोरी, हत्या का प्रयास एवं आर्म्स एक्ट आदि में संबंधित लगभग एक दर्जन मुकदमे पंजीकृत हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में प्रतिदिन रात्रि को स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को ध्यान में रखते हुए सघन चेकिंग की जा रही है। उसी के क्रम में आज थानागढ़ पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी फुलड़ी नहर के पास, तभी द्वारा मुखबिर ये सूचना प्राप्त हुई कि एक बदमाश फुलड़ी नहर की तरफ से आ रहा है। पुलिस पार्टी जब चेक कर रही थी तो उसे बदमाश आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस पार्टी ने उसे रोकने का प्रयास किया तो वो पुलिस पार्टी पर फायर करता हुआ भागने लगा। आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में उस बदमाश को गोली लग गई और वो घायल हो गया। उसे हमने प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भिजवा दिया है। प्राथमिक पूछताछ में उसने अपना नाम असद पुत्र आमिर, जो नौचंदी मेरठ का रहने वाला है, बताया है। और ये थाना हापुड़ नगर में लूट की एक घटना में 25,000 का इनामी भी है और हमने इसका आपराधिक इतिहास खंगाला है, तो लगभग 8 मुकदमे इसके आपराधिक इतिहास में, जो कि चोरी, लूट और हत्या के प्रयास में पाए गए हैं। और इसके कब्जे से हमें एक चोरी की मोटरसाइकिल, एक अदद तमंचा, मैं खोखा कारतूस बरामद हुआ है और इस पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है।